आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बड़े खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन होने जा रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। 25 लाख करोड़ रुपए का यूपी में निवेश आएगा और ये यूपी GIS यानी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टोटल 3 दिन तक चलेगा, 10, 11 और 12 फरवरी को, और इसमें उत्तर प्रदेश के विकास पर बड़ा मंथन होगा और इसमें भारत के बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ दुनिया भर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगे। मुख्य मंच पर परफॉर्मेंस देंगे कई दिग्गज कलाकार भी। अच्छा वह देखिए दोस्तों लखनऊ में भी भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई गई, शहर वासियों को 2 फ्लाईओवर का भी तोहफा दिया। शहीद पथ और कानपुर रोड पर इससे ट्रैफिक लोड कम होगा। वैसे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वाराणसी पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, ये गंगा आरती में भी शामिल हुए और इसको देखकर अभिभूत हुई। गंगा किनारे डिनर भी किया इन्होंने, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। G20 के लिए सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम रखे गए हैं, ATS के कमांडो और 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मी और साथ ही 2 कंपनी PSC भी तैनात रहेगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और GIS 2023 के दौरान लखनऊ समेत बड़े शहरों में कहीं भी यातायात व्यवस्था भी ना बिगड़े इसको लेकर भी जिम्मेदारी सौंपी। वैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 2 दिन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे और शहर को एक फ्लाईओवर की सौगात देंगे। 134 करोड़ की लागत के बने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अच्छा यूपी सीडा को भी 4 देशों से 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला और इससे 9 लाख रोजगार पैदा होंगे। वह देखिए यूपी में 200 करोड़ का निवेश करेगा फिनटेक प्लेटफॉर्म पेमी भी, इससे भी 2000 नौकरियां सृजित होंगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते पूरे यूपी में अलर्ट के बाद नेपाल व पड़ोसी राज्यों की सीमा पर भी पेट्रोलिंग यानी कि देखरेख को बढ़ा दिया है। G20 के लिए आगरा भी पूरी तरह से तैयार है, पहली बैठक आगरा में होने जा रही है। 10 पॉइंट पर बच्चे डेलीगेट्स का वेलकम करेंगे और ब्रज कलाकार भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। वैसे मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है, हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार ने ये बड़ा प्लान बनाया है और इसको लेकर एक पोर्टल भी तैयार कर दिया। दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने 1 Family 1 ID पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल का मकसद क्या है, इसका फायदा क्या होगा, तो इस पोर्टल के माध्यम से सरकार हर परिवार को एक खास ID कार्ड देगी, फैमिली ID कार्ड, जैसे राशन कार्ड होता ना वैसे ही। और इस ID कार्ड के जरिए खाने के सामान के साथ साथ घर बैठे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम का भी लाभ मिल पाएगा, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में बिना राशन कार्ड के भी चीनी गेहूं चावल वगैरह ये मिल पाएंगे। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया और लोगों को ये फायदा मिलेगा फैमिली ID कार्ड से, एक परिवार एक पहचान। 1 Family 1 ID कार्ड से योगी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे उत्तर प्रदेश के लोग और इसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है familyid.up.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर के आप भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा वही देखे हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ ATM लगाए जाएंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक प्राइवेट कंपनी के बीच समझौता हुआ है, जो कंपनी ये हेल्थ ATM इंस्टॉल करेगी। बड़ी खबर है मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा सड़क हादसे को लेकर शोक जताया और अफसरों को राहत कार्य करने के निर्देश भी दिए। परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश दिए। दरअसल नोएडा में कल ही एक भीषण हादसा हो गया था जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। वैसे एक बड़ा एक्सीडेंट अलीगढ़ में भी हो गया, इसमें कार और कैंटर की भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि G20 को लेकर महिला सशक्तिकरण पर भी होगा मंथन, महिलाओं के सम्मान ताकत का मिसाल बनेगा आगरा। बड़ी खबर है चिकित्सा विभाग में 175 पदों पर होगी भर्ती, 14 फरवरी से होगा इंटरव्यू। चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 9 और चिकित्सा अधिकारी के 166 पदों की भर्ती प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। वही देखिए राजधानी समेत अलीगढ़ को भी रोडवेज का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा। 19 रूटों पर 70 बसें चलाई जाएगी और ये बसें किन किन रूटों पर चलेगी जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सिकंदरा, राव, हाथरस, आगरा, मथुरा वगैरह वगैरह रूट पर बसों की कमी नहीं होगी। अच्छा वही बड़ी खबर है हमारे देश की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपना पहला वाराणसी दौरा करने जा रही है। 13 फरवरी को वो वाराणसी आ रही है। एयरपोर्ट से लेकर श्री काशी विश्वनाथ तक तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखाई जाएगी। वही देखिए अब लखनऊ से दिल्ली के लिए भी हाथरस से बस चलेगी, राजधानी सेवा के तहत ये बस भी संचालित की जा रही है। अच्छा हेल्थ ATM पर एक और अपडेट आ रहा है कि मलखान सिंह जिला और महिला अस्पताल में भी हेल्थ ATM लगाए गए, 3 से 5 मिनट में 50 तरह की जाँचें हो पाएगी। वही देखिए दोस्तों भदोही में फाइलेरिया की दवा खाने से 25 बच्चों की हालत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और CMO ने अब तुरंत जांच के आदेश भी दिए। अच्छा भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आज होने जा रही है, खाप चौधरी भी इसमें शामिल होंगे और कई जिलों से पुलिस बल भी बुलाया गया, डाइवर्ट किए गए कई वाहन। अच्छा वह देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है, वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर अपडेट है, 14 एक्टिव केस अभी यूपी में कोरोना के बचे हैं, पिछले 24 घंटों में 1 नया केस आया, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज है। चलिए मौसम समाचार की बात करें दोस्तों तो बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर भारत के इन 2 राज्यों में 2 दिन तक बारिश की चेतावनी है। मौसम
विभाग के मुताबिक हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वेस्ट यूपी में बादलों और धूप की आंख मिचौली देखने को मिल रही है। आज और कल हवाएं भी चलेगी। उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की तरफ से। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शेड्यूल भी देख लीजिए। 3 दिन में 34 सेशन होंगे। उत्तर प्रदेश के विकास पर पूरा मंथन होगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे और इसके समापन पर देश की महामहिम यानी कि राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगी। लखनऊ में हाई अलर्ट पर है मेडिकल सर्विसेज भी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए डेडिकेटेड अस्पताल ALS समेत 65 एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी ताकि कभी भी किसी को भी अगर इमरजेंसी मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़े तो तुरंत पहुंचाया जा सके। वहीं देखिए बड़ी खबर, ताजमहल के पास वर्टिकल गार्डन गिरा। G20 के मेहमानों के स्वागत में इसे लगाया गया था। कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए गए। G20 डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए ATS और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया। PSC समेत एंटी माइन टीम भी करेगी निगरानी। गजेटेड ऑफिसर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। 3 दिवसीय यात्रा पर काशी पहुंची पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री। नमोघाट से बजड़े पर सवार होकर गंगा आरती देखी, इसके बाद फोटो भी खिंचवाई। इनके अलावा भी और भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए कई सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिनर भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए, जेगुआर और रेंज रोवर जैसी गाड़ियों से घूमेंगे विदेशों से आए मेहमान। दिल्ली चंडीगढ़ से 800 लग्जरी समेत 1750 गाड़ियां आएंगी। मुंबई और बंगलुरु के कलाकार भी शाम के समय प्रस्तुति देंगे। लखनऊ के सभी बड़े होटल को भी इसके लिए बुक कर दिया गया। 16 देशों की लगभग 304 कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी। मलेशियाई शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ने CEO से की मुलाकात। 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। बड़ी खबर है, आगरा में उद्यान विभाग ने लगाई पुष्प प्रदर्शनी। 50 वेराइटी के फूलों से बनाई गई सुंदर आकृतियां और यहीं से जाएगा G20 देशों का प्रतिनिधि मंडल भी। वह देखिए, लोहिया विश्वविद्यालय में भी इन्वेस्टर समिट में स्टॉल लगाया गया। लो यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर फैकल्टी और स्टूडेंट्स की रहेगी तैनाती। लखनऊ के नाम बदलने को लेकर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि पिछले 733 साल पहले लखनऊ के नाम का जिक्र भी नहीं था। बादशाह अकबर ने शेख अब्दुल्ला को सौंपी थी ये रियासत, तब इसका नाम लखनपुर था। और एक बार फिर से लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी या लखनपुर करने की सियासत अब तेज हो चुकी है। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 बड़े भव्य पथ बनाए जा रहे हैं। एक बार में 1,00,000 श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम डेवलपमेंट भी जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, योगी सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए एक और नई योजना की घोषणा की है। फ्री बोरिंग योजना के तहत किसानों को 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा बोरिंग करवाने के लिए, जिसके तहत जिन किसानों का न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है उन्हें भी इस फ्री बोरिंग योजना का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये फ्री बोरिंग योजना लाई गई है। अब मतलब खेत पर बोरवेल कराने के लिए किसान भाई लोगों को 5,000 से 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का ये पोर्टल है, इसके जरिए किसान भाई लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही है। दूर केंद्रों की कॉपियां तहसील मुख्यालय पर जमा की जाएगी। DIOS ने 4 केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव भेजा है और इससे पेपर लीक होने का मामला नहीं रहेगा। राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट आ रहा है। इन लोगों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। 3,000 परिवारों को बड़ा झटका लगेगा। 5 महीने से जो राशन नहीं ले रहे थे ना, ऐसे सभी परिवारों के राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा। फिलहाल ये अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से होने जा रही है। यहाँ के 3,000 राशन कार्ड निरस्त होंगे और ऐसे लोग जो 5 महीनों से या पिछले कुछ और महीनों से राशन नहीं ले रहे हैं, प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ऑपरेशन मदद में 250 जवान 129 टन मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाए गए। तुर्की में आए भूकंप को लेकर NDRF ने 7 मंजिला मकान से निकाले 207वां विमान भी रवाना हुआ। अच्छा, बड़ी खबर है, रोडवेज बस ने हीरो मोटर्स के 7 कर्मचारियों को रौंदा। 4 की मौके पर जान चली गई, 3 गंभीर है। ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट छूटने के बाद ये घर जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात ये दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 7 लोगों को रौंद दिया। 4 के मौके पर ही जान चली गई। वैसे नाम बदलने की सियासत में गाजीपुर का भी नाम उठाया जा रहा है कि इसका नाम बदल करके विश्वामित्र नगर किया जाए। OP राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र लिखा और बीजेपी सांसद बोले कि लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। बड़ी खबर आ रही है, मंत्री नंदी का अखिलेश पर तंज। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। सपा जनता के पैसे से सफाई महोत्सव कराती थी, भाजपा समिट करा रही है। अच्छा, बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के स्थान पर गौ माता सम्मान दिवस मनाया जाए। एक ऐसी ही पहल एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा भी की गई है। उन्होंने भी कहा कि 14 फरवरी को काउ हग डे मनाएं, गाय को गले लगाने से खुशी मिलेगी, भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बहराइच में 20 बेड वाले सर्जिकल वार्ड का उद्घाटन किया। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य ने काटा फीता। CHC का भी निरीक्षण किया। नौकरियों को लेकर एक SSC से संबंधित अपडेट आ रहा दोस्तों। SSC ने CAPF सिपाही भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। अब 46,435 पदों पर होगी ये भर्ती। वह देखिए, झांसी में एक साथ 624
जोड़ों ने शादी की। 11 मुस्लिम और 613 हिंदू जोड़े वैवाहिक बंधन में बांधे गए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के तहत ये आयोजन हुआ। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, 50,000 आबादी की पानी की सप्लाई बाधित हुई। दरअसल इंडियन ऑयल की खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूट गई और उस लीकेज पाइपलाइन पर ठेकेदार मिट्टी डालकर चला गया। उसके बाद देख सकते हैं कितनी ज्यादा अव्यवस्था हुई। उत्तर प्रदेश कानपुर के लोगों को काफी ज्यादा इसकी समस्या हुई। इंडियन ऑयल द्वारा पेट्रोल लाइन का मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसमें करीब 5 किलोमीटर की लंबाई की लाइन में खुदाई का कार्य चल रहा है और यहाँ यह खुदाई करते दौरान पानी की लाइन फूट गई। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में जो तेंदुआ घुस गया था ना, तो उसके लोगों ने घायलों ने आप बीती सुनाई। एक शख्स जिसका नाम अशरफ है वो बाथरूम में छिप गया तो तेंदुआ भी वहां घुस गया। 3 वकील हंसते हुए पकड़ने गए लेकिन खून से लथपथ लौटे क्योंकि घायल हो गए थे वो। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बड़ी खबर आ रही, चित्रकूट में करोड़ों की लागत से बने 7 चेक डैम सूखे। बुंदेली सेना ने मरम्मत कराने की मांग की और कहा कि जानवरों और पशु पक्षियों का सहारा था ये। अच्छा वैसे कल ही यूपी में एक नया नियम लागू हुआ, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह रील्स नहीं बना पाएंगे, ना ही चला पाएंगे ड्यूटी करते दौरान। यूपी सरकार की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा वही देखिए, बलरामपुर में स्वयं सेवक संघ का शाखा संगम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वयं सेवकों ने एकीकरण पर दिया बल, कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी किया। वही देखिए, फर्रुखाबाद में 9,00,000 बच्चों को खिलाई जाएगी कीड़े की दवा। सीएमओ बोले पेट के कीड़े बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा बनते हैं। औरैया में भी 6,50,000 बच्चे खाएंगे एल्बेंडाजोल की गोली। स्कूल, कॉलेज व आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिलाई जाएगी ये दवा। 1 से 19 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। सोनभद्र में भी आज 10 फरवरी से खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। 1790 टीमें लगाई गई। बड़ी खबर है, बलरामपुर में नकल विहीन परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हुई। डीएम एसपी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जिले में 67 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए। अच्छा वही मुजफ्फरनगर में भी 61,000 परीक्षार्थी देंगे बोर्ड की परीक्षा। डीएम ने बैठक कर नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए और कहा कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा हरदोई में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। डीएम बोले श्रद्धालुओं की परिक्रमा सुगम बनाने के लिए सभी मार्गों को 10 दिन में ठीक कराए जाएं। आगरा में 2,00,000 बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की गोली। 10 फरवरी से शुरू होगा कृमि मुक्ति अभियान, 5 दिन तक चलेगा। जौनपुर के डीएम ने की समीक्षा, टारगेट से कम रेवेन्यू आने पर नाराज नजर आए। 5 साल से ज्यादा लंबित मामले वापस चेक किए। अच्छा किसान भाई लोगों को 1701 में से 1363 करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की शक्ति आई काम। मौजूदा पेराई क्षेत्र का 80% भुगतान लगभग हो चुका है। अमरोहा में महाशिवरात्रि की तैयारियां हुई तेज। 13 से रूट डायवर्जन रहेगा। कांवड़ियों के इंतजाम भी पूरे हुए। हाईवे पर तैनात रहेगा पुलिस बल। अच्छा यूपी बोर्ड को लेकर देखिए, उन्नाव प्रशासन का कहना है कि दूर केंद्रों की कॉपियां तहसील मुख्यालय पर हो जमा। डीआईओएस ने 4 केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा और इससे सहूलियत भी मिलेगी। हाथरस में भी देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए 100 नए केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों को 4 जोन और 22 सेक्टर में बांटा। आपको बता दूं इसी महीने 16 तारीख से यूपी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने जा रही है। सिद्धार्थनगर सीडीओ ने की समीक्षा बैठक। 5 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराने का दिया निर्देश। अलीगढ़ में 46,000 करोड़ का पहुंचा निवेश। केरल की कंपनी 29,000 करोड़ में बनाएगी सेमीकंडक्टर चिप भी। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, 200 टन घरेलू कचरे से बना 70 टन कोयला। वाराणसी में रमना प्लांट का ट्रायल सफल हुआ और अब हर रोज 200 टन कोयला यहां इस नए प्लांट से बनाया जाएगा। और एक लास्ट अपडेट देखिए आप, हृदय रोगों से मिलेगी नोनीहालों को निजात। जन्मजात रोग के लिए सत्य साई संस्थान के साथ एक एमओयू साइन हुआ। एनएचएम ने ये समझौता करार किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल पर एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सत्य साई संस्थान के साथ एक एमओयू साइन किया, जिससे उत्तर प्रदेश लखनऊ में छोटे बच्चों को हृदय रोग से संबंधित और जन्मजात रोग से संबंधित बीमारियों से निजात मिल पाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में यह उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। वैसे आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप उत्तर प्रदेश के ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।